सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोधपुरिया गांव में, जो कि रानिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ समय पहले या एक साल पहले घोषणा की गई थी कि गांव के अंदर वॉलीबॉल का ग्राउंड जो है वो गांव के लोगों ने डिमांड की और उस पे जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया और ग्राउंड जो है वो गांव के लोगों को, गांव के युवाओं को खेलने के लिए मंजूर कर दिया गया। एक साल पहले का ये ग्राउंड है, देखिएगा। लेकिन इस ग्राउंड को सिर्फ ग्राउंड नाम इसको हम कह सकते हैं, बाकी इसके अंदर आकर के देखें तो ग्राउंड की कोई भी निशानी इसमें हमें प्रतीत नहीं हो रही है कि ये ग्राउंड होगा, यहाँ पे बच्चे खेलते होंगे, गांव के युवा जो है वो खेलते होंगे। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें कौन सा खेल खेला जा सकता है। एक बच्चे जो है वो मिट्टी से ज़रूर इसमें खेल सकते हैं, बाकी वॉलीबॉल खेलने का मुझे किसी भी तरह से कोई प्रावधान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि गाँव के युवा वो यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते होंगे। उसके बाद तस्वीर देखिएगा, मिट्टी के ढेर जगह जगह पे पड़े हुए हैं और एक ये पेड़ है, इसके बीच में ये पेड़ देखिएगा कि इस पेड़ पे जो है इस पेड़ को बीच में जो है वो खड़ा है अभी तक और ऐसे का ऐसे खड़ा हुआ है। अब बात आती है कि परमिशन नहीं मिल रही तो यहाँ पे ये जो है वो पेड़, जब पता था कि इसके परमिशन नहीं मिलनी है तो इसको इतना पैसा जो इसके चारों तरफ चार दीवारी या जाल लगा करके, ग्रिल वगैरह लगा करके, तो ये पैसा जो है वो क्यों यहाँ पर वेस्ट किया गया। अगर इसकी परमिशन मिल रही है तो उसके बाद ये बनाया क्यों नहीं गया। ये बहुत सारे सवाल जो है वो इस ग्राउंड को लेकर के गांव के लोग हैं, गांव के सरपंच हैं, वो यहां पे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिएगा, ये लोहे की छोटी ग्रिले हैं या इनको पत्तियां इनको हम कह सकते हैं या सपोर्ट इसको हम कह सकते हैं, ये इस ग्राउंड को बनाने में उपयोग होने वाला मटेरियल है लोहे का। ये देखिएगा, ये एज इट इज यहाँ पर पड़ा हुआ है एक साल से और इसके ऊपर धूल मिट्टी पानी आ करके जो है वो इसको जंग लग चुका है। दूसरी चीज़ मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ आपको दिखाए। ये ग्रिल, ये सपोर्ट लगा दी यहाँ पे, ये जाल लगा दिया, लेकिन उसके बाद नीचे जो है वो इसके ये दीवार जो है वो निकाल रखी है। अब यहाँ पे कहेंगे कि इसमें क्या कमी है, दीवार निकाल तो रखी है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँगा तो आप कहेंगे कि वास्तव में ही, वाकई में जो है वो कमी है। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ दिखाए, इस तरफ ये जो है ये पिल्लर छोटे छोटे बना करके छोड़ दिए, लेकिन उस तरह की दीवार जो है वो यहाँ पे नहीं निकाली गई है। अब पूरे ग्राउंड को मैंने आपको दिखाया कि इसके दो तरफ जो है वो दीवार निकाली गई है, दो तरफ दीवार जो है वो नहीं निकाली गई है, यानी कि ये पैसा लगा करके एक साल से जो है वो ऐसे का ऐसे वेस्ट किया जा रहा है। चलिए अब कुछ गाँव के युवा साथी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा पीछे हो करके दिखाए। ये जो वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं। ग्राउंड जो है वो पिछले कितने समय से पेंडिंग है? ये जी एक साल से पेंडिंग है, डी प्लान के थ्रू है। चौधरी रणजीत सिंह ने, हमारी बिजली मंत्री, उन्होंने हमें ग्राउंड बनाने की परमिशन दी थी, ये मंजूर हुआ था। अच्छा। और अभी तक ये इसी अवस्था में पड़ा है जी। ठीक है। पता नहीं चल पाया ये किस कारण से रुक गया, ये बना नहीं। तो उसके बाद आप मंत्री जी के पास गए नहीं कि हमारा ग्राउंड अभी तक नहीं बन रहा है जी? इन्होंने टाइम टू टाइम जी भी 10 दिन में बन जाएगा, 5 दिन में बन जाएगा, 1 महीना लगेगा, तो हम क्यों नहीं थोड़ा टाइम का इंतजार करें, इसी वेट में हम। अच्छा, इंतजार करते करते एक साल निकाल दिया जी। कितनी समस्या हो रही है? वैसे आप खेलते कहाँ हो फिर? ग्राउंड तो है नहीं ये आपका? नजदीक का ग्राउंड था जी, यहाँ पे जाल लगा हुआ था वो उतरवा दिया, मतलब भी स्कूल में जैसे प्रेयर होती है और होती है तो जगह नहीं, कम जगह है, क्यों ये भी ग्राउंड ने जगह थोड़ी ले ली है। अच्छा। तो उस वजह से जाल उतार दिया, पर वैसे ही टाइम पास के लिए फिर खेला जाता है जी। ठीक है। कुछ और साथियों से बातचीत करते हैं। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है गांव जोधपुरिया में आने पर। ये 15 साल पहले
यहाँ पर चौधरी साहब ने ये हमें ग्राउंड दिया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। ग्राउंड के साथ ही ये हमारा नज़दीकी ग्राउंड चलता था, हम अबोर से इसका जाल लेकर आए थे, तो यहाँ पर अधिकारी आए, उन्होंने बोला ये जाल उतार दो, चौधरी साहब आएंगे, तो उनके बंदे आए, फिर ये जाल काट दिया हमने। ठीक है। अब बच्चे ये खेल नहीं पाते हैं, कहते बॉल लेके आनी पड़ती है, ये ग्राउंड हमारा तैयार नहीं हो रहा है। अभी महीने भर पहले यहाँ पर मीटिंग हुई थी, तो जो वन विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने बोला आप काट लो, कुछ नहीं कहेंगे। हमने उनसे रिपोर्ट मांगी भाई, कहा आप लिखित में दे दो, तो वो बोले हम नहीं दे सकते लिखित में, आप ही काट लो गांव की मंजूरी। पर गांव की मंजूरी किसी प्रकार से हो नहीं रही है। ठीक है। तो आपके थ्रू हम ये चाहते हैं भाई ये हमारा करवाया जाए। ठीक, धन्यवाद। ठीक है। गांव के सरपंच हैं, अभिनव निर्वाचित सरपंच हैं थोरी साहब, इनसे बातचीत करते हैं। आपने जो है वो इसका स्टेटस पता किया कि क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है? पहले तो आपको मकर संक्रांति की केरियाना को तय दिल से धन्यवाद। इसका हमने पता किया था 16 तारीख को, हमारे गांव में कैंप लगा था, उसमें सभी भाग के डिपार्टमेंट के अफसर आए थे। हमने ये कह रहे हैं अभी कीकर, कोई प्रशासन कह रहा है कीकर की मंजूरी हमने ले ली, उस दिन हमें एप्लीकेशन दी थी, उस बेस पे हमें मंजूरी मिली है। एक साल से इस पे ना हमें ये पता चल रहा है अभी कौन ठेकेदार, विभाग से पूछते हैं वो कह रहे हैं उस महकमे में जाओ, उस महकमे में जाओ, आरटीआई लगाओ, कोई नहीं बता रहा हमें भी इस ग्राउंड का क्या सिस्टम है, किस अधिकारी ने बनाया है, कहीं कुछ नहीं है इसका, हमें कोई इस चीज़ की नॉलेज नहीं दे रही। मैंने कम से कम बीडीओ साहब से भी पूछा है, एसडीओ साहब से भी पूछा है, जेई साहब से पूछा है, कोई इसका ठेकेदार या कोई पता नहीं है। इसमें बताओ एक साल से ये ग्राउंड बन चुका है, इसमें सब लोहे की चीज़ें लगी है, इसमें जर लग गया है, अब आगे इसमें कैसे रंग होगा, आधी दीवारें छोड़ दी, ना इसकी कोई रूपरेखा तैयार कर रहा है। वो एप्लीकेशन लगाई थी उस बेस पर कह रहे हैं अभी तक इसका कोई प्रावधान नहीं है, अभी ये कीकर कब कटेगी, कौन ठेकेदार है, हमें कोई पता नहीं है। ठीक है। हाँ, तो इसके अलावा मान लो गांव में ऐसे और भी कोई काम होंगे? हाँ, इसमें काम है जी, एक डी प्लान में दो तीन काम आए हैं, चौधरी साहब ने दिए हैं, चलो ठीक है, भी सरपंच की नाम मौजूदगी में वो काम शुरू कर दिए। अब एक गली है यहाँ से, इस स्कूल गेट से लेके इधर है राजा राम के घर तक, इस गली को उखाड़ दिया, कह रहे थे चार दिन में बना देंगे, आज 2 महीने हो गए ये गली उखाड़ के छोड़ रखी है, ना इस गली का कोई ये बता रहे भी, इस गली का कौन ठेकेदार है, कौन इसको अफसर बना रहे हैं, क्या किस वजह से ये रुक रही है, हमें नहीं बता रहे, ना सरपंच को ये पूछा जा रहा है ये गली का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ब्लेम लगाए जा रहे हैं भी सरपंच ने ये गली रुका रखी है। अच्छा। हाँ, सरपंच को ना तो डिपार्टमेंट, साथ में बबली जी कह रहे हैं मंत्री जी भी टेंडर की प्रतिक्रिया से काम अच्छा होंगे, कहाँ होंगे ठेकेदार, कहाँ हैं ठेकेदार, ठेकेदार ने इस ग्राउंड के पैसे ले लिए घर बैठ गया, ना ग्राउंड का कोई पैसे का पता, ना कहाँ लगाया, ना ठेकेदार, बबली जी कह रहे हैं ई टेंडर कराएंगे, ई टेंडर बाद किसको पकड़ेगा गाँव, अगर सरपंच गांव में काम कराता तो सरपंच को पकड़ते लोग, कहाँ पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा, गली का भी ये डी प्लान में बता रहे हैं, तो ये गली 1 महीने से लोगों को परेशानी है, घर से निकलने की और है, कोई पता ही नहीं है कि कौन बना रहा है, सरपंच किसके पास जाए, डी प्लान में ये गली किसके पास है पता ही नहीं है, ठेकेदार कौन है, अफसर कह रहे हैं हमें पता नहीं है, कौन अफसर बना रहा है ये भी पता नहीं है, बताओ कहाँ जाएंगे, बबली जी तो कह रहे हैं ई टेंडर से कराएंगे, ठेकेदार नहीं है तो कहाँ जाएगा, सरपंच को गांव में हर लोगों के सामने जाना पड़ता है, फेस टू फेस होना पड़ता है, क्या कहेगा, किस किस को जवाब देगा, ई टेंडर में बहुत सी दिक्कतें आ रही है, आगे भी बता रहे हैं ई टेंडर में, अब ये गली है इसमें जैसे 10 लाख रुपए है, सरपंच बनाता तो इसको मैनेजमेंट कर सकता था, किसी के घर तक 1 लाख रुपए की और मैनेजमेंट करनी होती तो कर सकता है, ई टेंडर में जो टेंडर हो गया वो हो गया, उससे बाहर जा ही नहीं सकता कोई, अगर 11 लाख रुपए लगाना है तो सरपंच लगा ही नहीं सकता, क्यों, सरपंच के पास पावर नहीं है, ई टेंडर में दोबारा टेंडर कराओ फिर वो 1 लाख के लिए, वो गली अधूरी रहेगी, उसमें लोग है ना उसको सरपंच को भी गाड़ियां देंगे, ठेकेदार को भी गाड़ियां देंगे, इसलिए तय धन्यवाद से आपका। ठीक, अभी मांग क्या करेंगे आप? मांग तो ये ग्राउंड है जल्द से जल्द तैयार हो, गली है हमारी वो भी जल्द से जल्द तैयार हो, जो प्रतिक्रिया है जल्द से जल्द सरकार करे, अफसर हमें इस चीज़ की बताएं भी हमें किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो इस बारे में अगर बात करूं तो इस ग्राउंड के बारे में मैंने जो है वो एसडीओ साहब से बातचीत की, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से एसडीओ साहब हैं उनसे बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पिछले 1 साल से काम जो है वो इसका लंबित पड़ा हुआ है। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने युवाओं की मांग को देखते हुए ग्राउंड मंजूर तो कर दिया, पैसा भी भेज दिया, पैसा ना भेजा होता तो ये काम ना हो पाता, पैसा भी भेज दिया, लेकिन उनके इस काम को ये अधिकारी लोग जो हैं या ठेकेदार हैं वो किस तरह से उनकी छवि को बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके सामने है। अब इसमें रोका हुआ है ये, तो क्यों रोका हुआ है? जब एसडीओ साहब से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा था कि इस पेड़ के कारण जो है वो ये काम जो है वो रुका हुआ है, इसकी परमिशन जो है वो नहीं मिल रही थी। अब एसडीओ साहब ने कहा कि
अभी जो है वो हाल ही में उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने जो है इसकी पेड़ को काटने की परमिशन, इसकी बोली करवानी बाकी है अभी, इसकी परमिशन जो है वो ले ली है, और जैसे ही ये पेड़ जो है वो यहाँ से हट जाएगा तो उसके बाद में इसको जो है ग्राउंड का पूरा जो है वो काम लगभग कम्प्लीट करवा दिया जाएगा। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 या 4 दिन का समय जो है वो लगना है, 3 या 4 दिन के बाद ये ग्राउंड में जो है वो इसका पूरा करने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, और एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इसको पूरा करवा करके युवाओं को खेलने के लिए सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर अगर जब गली की बात की कि एक गली भी जो है वो यहाँ आपको तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, ये गली है वो, इस गली की अगर जब बात की तो SDO साहब का कहना है कि इसका पैसा जो है वो 7 लाख रुपये मंजूर हुआ था और इसमें जो टोटल बजट लागत आनी है वो 10 लाख रुपये है, तो 3 लाख रुपये अभी कम पड़ते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि जब आपको पता था कि इसमें 10 लाख रुपये की कॉस्ट आएगी और 3 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं तो इसको उखाड़ने का फायदा क्या है, उखाड़ा क्यों, जैसी थी वैसी पड़ी रहने देते, तो उनका कहना है कि वो अभी नए आए हैं, उनको इस बारे में कोई पता नहीं है। जेई साहब से बात कीजिएगा, जेई साहब से फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फ़ोन जो है वो नहीं उठाया, आगे से रिप्लाई जो है वो नहीं किया। खैर जैसे भी रिप्लाई आएगा तो वो भी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेई साहब क्या कुछ कहते हैं। लेकिन 3 लाख रुपये की कमी की वजह से ये गली अटकी पड़ी है और इस पेड़ की परमिशन ना मिलने के कारण जो है वो ये इस स्टेडियम का, इस ग्राउंड का काम जो है वो अधर में लटका हुआ है। खैर मंत्री जी से डिमांड की गई, उन्होंने हामी भर दी और पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बाद ना तो इसके कोई करने वाले का पता है कि आखिर किसके पास है ये काम, कौन कर रहा है, ना ठेकेदार का पता है, ना डिपार्टमेंट में जाते हैं, सरपंच साहब का कहना है कि डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ भी पता नहीं है कि आखिर कौन इस काम को कर रहा है। जब SDO साहब से बातचीत की गई तब जाकर के कुछ स्थिति जो है वो क्लियर हो पाई है कि सरपंच लगातार कह रहे हैं कि उन पर ब्लेम आ रहा है, लेकिन ये सरपंच के हाथ में काम नहीं था, ये डिपार्टमेंटल काम था और डिपार्टमेंटल काम में जो है वो इसकी मंजूरी ना मिलने के कारण अभी तक अधर में लटका हुआ था। अभी विभाग के अधिकारी जो ये कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इसका काम कंप्लीट करवा दिया जाएगा और गली का काम जो है वो आने वाली 31 मार्च से पहले पहले जो इस गली को भी निर्माण कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मैल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।